वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबक नंबर 7 में आप सभी बच्चे ज़बर, ज़ेर और पेश के इस्तेमाल को सीखोगे कि इनको किस तरह से लिखा और बोला जाता है। तो सबसे पहले है ज़बर। तो ज़बर में हमेशा आ की आवाज़ आती है, यानी कि अलिफ़ पर इस तरह से लगाया जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? अलिफ ज़बर आ। इसी तरह से ज़ेर को अलिफ़ के नीचे लगाएंगे, ज़ेर में हमेशा ई की आवाज़ आएगी। क्या पढ़ा जाएगा? अलिफ ज़ेर ई। इसी तरह से पेश लगेगा अलिफ़ के ऊपर और पेश की आवाज़ आएगी ऊ की, अलिफ़ पेश ऊ। अब ज़बर वाले पढ़कर बताती हूँ। अलिफ पे ज़बर अब, ते बे ज़बर तब, जिम बे ज़बर जब, डाल रे ज़बर डर। ज़ेर ज़बर को एंड में पढ़ोगे, रे बे ज़बर रब। इसी तरह से ज़ेर, अलिफ नून ज़ेर इन, बे नून ज़ेर बिन, पे नून ज़ेर पिन, जिम नून ज़ेर जिन, दाल नून ज़ेर दिन, नून बे ज़ेर निब। इसी तरह से है पेश, अलिफ नून पेश उन, बे नून पेश पुन, चे पे पेश चुप, रे ते पेश रुत। बे जिम ज़बर बच, बे चे ज़बर बच, बे चे अलिफ ज़बर चा बचा, नून अलिफ ना बचाना, नून चे अलिफ ज़बर नचा, नून अलिफ ना नचाना, बे वाव बो, नून अलिफ ना बोना, पे वाव उल्टा पेश पू, जे अल जिम अलिफ चा पूजा। अब देखो यहाँ पर उल्टा पेश है तो ऊ की आवाज़ आ गई वाव में। पे वाव उल्टा पेश पू, जिम अलिफ चा पूजा। अब यहाँ पर उल्टा पेश नहीं था तो ये क्या हो गया था? बे वाव बो, नून अलिफ ना बोना। जब कभी उल्टा पेश होगा तो हमेशा ऊ की आवाज़ आएगी। ते वाव पे तोप, टे वाव टो, पे छोटी ये पी टोपी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि छोटी वाली ये में हमेशा ई की आवाज़ आती है, तो यहाँ पर इसलिए इसे टोपी पढ़ा गया। अगर पे के साथ बड़ा वाला ये होता तो ए की आवाज़ आती, तो उसे क्या पढ़ा जाता? टोपे। इसी तरह से बे दाल ज़बर पद, बे ज़बर बा, दाल नून ज़बर दन बदन, नून ज़ेर नी, डाल रे ज़बर डर निडर, जिम पेश जू, दाल अलिफ्ता जुदा, खे पेश खू, दाल अलिफ्ता खुदा, हे दाल ज़बर हद, बे रे ज़बर बर, ते नून ज़बर तन बर्तन, बे रे अलिफ ज़बर हड़ा बड़ा, पे रे ज़बर पर, पे पेश पू, रे अलिफ रा पुरा, नून अलिफ ना पुराना, जिम रे ज़बर जड़, खे रे अलिफ रा बे, खे रे अलिफ ज़बर रा खरा बे खराब, रे अलिफ रा जिम अलिफ जा राजा, नून ज़ेरनी, डाल रे ज़बर डर निडर, बे नून वाव ज़बर नो बनो, बेड़े अलिफ ज़बर ला बड़ा, बे रे ज़बर बर, ते नून ज़बर तन बर्तन, दाल वाव दो, बे नून बन, दाल रे ज़बर दर बंदर, नून बड़ा ये ने, बे रे ज़बर बर, ते नून ज़बर तन बर्तन, ते वाव तो, रे अलिफड़ा तोड़ा, पे पेश पू, रे अलिफरा पुरा, नून छोटी ये नी पुरानी, टी वाव टो, पे छोटी ये पी टोपी। अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 में आपको इन लफ्ज़ों को लिखना सीखना है। तो कैसे लिखोगे रब को? रे बनेगा ऊपर से नीचे की साइड, पहले ऐसे देखो ऊपर से ऐसे नीचे की साइड ज़बर लगाओगे, फिर बे को इस तरह से गोलाई में बनाओगे। कभी भी बे को ऐसे नोकीला नहीं बनाओगे, ये गलत होता है, ऐसे गोलाई में बनाओगे। राइटिंग स्किल भी हैंड टू हैंड इम्प्रूव करवा रही हूँ मैं आपकी। अब ऐसे ही दिन, अब ज़्यादातर बच्चे दाल को इस तरह से बनाते हैं, पर यह गलत है। दाल का मुँह इस तरह से खुला होना चाहिए, जैसे कि ग्रेटर देन का साइन। तो दाल कैसे बनेगा? दाल नून ज़ेर दिन, ऐसे ही रुत, रे पेश रू, ते रुत। बच कैसे लिखोगे? ऐसी आड़ी लाइन, फिर ऐसी सीधी लाइन, फिर ऐसे जिम बना दोगे। बे जिम ज़बर बच, बदन, पहले बे बनाओगे, ऐसे ऊपर जाओगे, फिर ऊपर से नीचे की साइड, फिर नून को इस जगह से बनाओगे, फिर यहाँ पर ज़बर लगा दोगे। ऐसे ही जड़, पहले बनाओगे आधा जिम, आधा जिम बनाकर यहाँ पर एक नुक्ता लगाओ, ऐसे ऊपर से उठाते हुए नीचे आ जाओ, जिम रे ज़बर जड़। सवाल नंबर 2, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़बर ज़ेर और पेश का इस्तेमाल करना है, यानी कि यहाँ पर आपको लफ्ज़ दिए जाएंगे, आपको क्या क्या लगाना है ज़बर ज़ेर और पेश। जैसे कि जिम बे ज़बर जब, रे खे पेश रुख, दाल नून ज़ेर दिन, चे पे पेश चुप, अलिफ पे ज़बर अब, पे नून ज़बर पन। जब में क्या आया? ज़बर। रुख में आया पेश। दिन में आया ज़ेर।
चुप में आया पेश, अब में आया ज़बर, पन में आया ज़बर। सवाल नंबर 3, खाने में दिए हुए ज़बर ज़ेर और पेश को सामने लिखवाएं, लफ्ज़ों में इस्तेमाल करें। यानी कि खाने में यहाँ पर ज़बर है, इन लफ्ज़ों पर लगाना है, ते बे ज़बर तब, जिम बे ज़बर जब, बे जिम ज़बर बज। खाने में ज़ेर लगा है तो इन लफ्ज़ों पर आप में ज़ेर आपको ज़ेर लगाना है, अलिफ नून ज़ेर इन, बे नून ज़ेर बिन, नून ज़ेर नी, डाल रे ज़बर टर निडर। अब खाने में पेश है तो तीनों पर ही पेश लगाओगे, अलिफ नून पेश उन, बे ते पेश बुत, बे नून पेश बुन। सवाल नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में खाने की मद खानों की मदद से ज़बर ज़ेर और पेश की पहचान करानी है और खाली जगहों में उन्हें बनाना है। देखो रब की स्पेलिंग में क्या लगा हुआ है, ज़बर, तो पहले ज़बर को सर्कल कर दो और खाने में ज़बर को बना दो। दिन की स्पेलिंग में ज़ेर लगा है तो ज़ेर को सर्कल करो और यहाँ पर ज़ेर बना दो। रुत की स्पेलिंग में पेश लगा है तो पहले पेश को सर्कल करो और यहाँ पर पेश बना दो। सवाल नंबर 5 है, तस्वीरों को देखकर स्पेलिंग लिखनी है, तो टोपी की स्पेलिंग कैसे लिखोगे, टे वाओ टो। पे को कैसे बनाओगे, थ्री की तरह से, उल्टी थ्री की तरह से, फिर यहाँ पर 3 नुक्ते लगा दोगे। ऐसे ही तरबूज, तरबूज के लिए पहले देखो ऐसी गोल अलामत बनाओ आड़ी कर यहाँ पर नुक्ता लगाओ, अब यहाँ से ऊपर उठाते हुए इस नुक्ते से मिला दो, तो ये क्या हो गए, तेरे तर, बे वाओ बू, जे को ऊपर से नीचे की साइड बनाओ। ऐसे ही बंदर की स्पेलिंग, बे नून बन, दाल रेदर बंदर। पैर की स्पेलिंग में भी पहले पे बनाओ, फिर छोटा सा ये, फिर यहाँ पे नुक्ता लगा दो, फिर इसको ऐसे ऊपर से उठाते हुए नीचे से नुक्ते से मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, पे ये रे पैर। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हुर्फ लिखवाने हैं। यहाँ पर ये जो पेन से लिखा है ये खाली खाने हैं, पहले स्पेलिंग पढ़ लो, बेड़े अलविज़बर ला बड़ा, तो उड़े मिसिंग था, मैंने उड़े लिखा। नोट की स्पेलिंग के अंदर नून मिसिंग था, नून वाओ टे नोट। राजा की स्पेलिंग में जिम मिसिंग था, रे अलिफ्रा जिम अलिफचा राजा। तोड़ने की स्पेलिंग में वाओ और नून मिसिंग था, ऐसे ही पुराने की स्पेलिंग में रे और नून मिसिंग था।